सर पर हरी पगड़ी पहनने वाला किसान नेता राकेश टिकैत को पूरा देश जान चुका है। राकेश टिकैत खुद को किसान और उनका नेता कहते हैं, लेकिन क्या आप राकेश टिकैत के साम्राज्य के बारे में जानते हैं? खुद को किसानों का हितैषी बताने वाला राकेश टिकैत कौन है, उसकी संपत्ति कितनी है और वो एक गरीब किसान या फिर बड़ा कारोबारी है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली से 130 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर का सिसौली गांव, ये राकेश टिकैत का गांव है। खुद को किसान नेता बताने वाले राकेश टिकैत के आर्थिक साम्राज्य की कहानी सिसौली गांव से ही शुरू होती है। ये राकेश टिकैत जी का खेत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गन्ने की खेती किस तरीके से यहाँ पर हुई है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि टिकैत परिवार में जो भी खेती होती है वो खुद टिकैत परिवार करते हैं, ना ही उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी उन्होंने मजदूर रख रखा है। सभी खेती जो मतलब टिकैत परिवार के लोग हैं वही लोग खुद से ही करते हैं, जुताई से लेकर बुआई तक सभी खुद ही करते हैं। दिल्ली बॉर्डर पर बार बार ट्रैक्टर रैली की धमकी देने वाले राकेश टिकैत के खेत में ट्रैक्टर का सही इस्तेमाल करते ये किसान कौन है जानते हैं? ये हैं राकेश टिकैत के छोटे भाई नरेंद्र टिकैत। कांग्रेस को समान आंदोलन चला होते जब तो आंदोलन कह रही थे हम बिल्कुल, अरे भाजपा को इसमें चला गए, ये आंदोलन जीविका होगी। मैं तो चार पीढ़ी कर दी उन्होंने खराब जी, चार पीढ़ी लग रही मैंने तो चारों ही बदनाम कर दी। कभी 5-6 बीघा जमीन के मालिक रहे टिकैत परिवार के पास सिसौली में 110 बीघा खेती की जमीन है, सर्कल रेट के हिसाब से जिसकी कीमत है 4 करोड़ रुपए। इन 110 बीघा जमीन में कुछ राकेश टिकैत के नाम पर है, कुछ परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर और कुछ बेनामी यानी दूसरों के नाम पर। राकेश टिकैत की खेतों से होने वाली आमदनी भी लाखों में। इनके खेतों के गन्ने सिसौली की इसी शुगर मिल में आते हैं। अच्छा, राकेश जी का आखिरी बार गन्ना कब आया था यहाँ पे सेंटर पे? कल आया था, 9 तारीख को आया था जी। कल 9 तारीख को आया, कितने मतलब कुंटल वगैरह कुछ आया होगा? यह था जी करीबन 80-90 कुंटल के आसपास आया था। राकेश टिकैत अभी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर को बंधक बनाए हुए हैं, लेकिन उनका गन्ना लगातार चीनी मिल में पहुंच रहा है। बीते 28 नवंबर से अब तक 25 से ज्यादा बार उनका गन्ना चीनी मिल में पहुंच चुका है। अगर आंकड़ों को समझे तो करीब 2,250 क्विंटल गन्ना चीनी मिल में पहुंच चुका है, यानी टिकैत अगर धरना दे रहे हैं तो भी उनका कारोबार चल रहा है। अब सिसौली गांव से अलग राकेश टिकैत की संपत्तियों पर गौर करें तो उन्होंने हरिद्वार के इकबालपुर गांव में शुगर मिल के पास 75 बीघा बेनामी जमीन खरीदी। सर्कल रेट के मुताबिक इसकी कीमत है 13.5 करोड़ रुपए। टिकैत परिवार ने उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में भी बेनामी जमीन से निवेश किया हुआ है। गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर एयरपोर्ट के पास 7 बीघा जमीन है जो राकेश टिकैत के रिश्तेदारों के नाम पर। सूत्रों के मुताबिक राकेश टिकैत के पास झांसी, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बदायूं में भी जमीन है। ये जमीन उनके रिश्तेदारों के नाम पर है। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी छोड़कर किसान बने राकेश टिकैत के बारे में बताया जाता है कि इनके 4 से 5 पेट्रोल पंप, कार का शोरूम और कई होटल भी हैं। इसके अलावा टिकैत परिवार कंस्ट्रक्शन का कारोबार भी करता है। किसान नेता राकेश टिकैत की कई बेनामी संपत्तियां हैं जो उन्होंने अर्जन की है। हम इस वक्त हैं मुजफ्फरनगर और शामली के बीच में, एक जो प्रोजेक्ट बनाया जाए सड़क का, ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का नाम है ZR इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड विलेज भुतारा। इस प्रोजेक्ट में किसान नेता राकेश टिकैत के बेटे चरण सिंह की बेनामी पार्टनरशिप है और बताया जा रहा है कि राजस्थान के जो एक बड़ा बिल्डर है जिसका नेतृत्व में बताया जा रहा है ये प्रोजेक्ट, उसके साथ पार्टनरशिप है और सुभाष मतियान इसके साथ पार्टनरशिप है और इसी के तहत यहाँ पर काम चल रहा है और ये जो
सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क मुजफ्फरनगर से पानीपत तक के लिए बनाया जा रहा है और इसमें राकेश टिकैत के बेटे चरण सिंह की बेनामी पार्टनरशिप है। सूत्रों के मुताबिक जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में राकेश टिकैत के बेटे चरण सिंह की बेनामी पार्टनरशिप। अवैध रूप से मिट्टी खुदाई के आरोप में इस कंपनी पर मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन कार्रवाई भी कर चुका है। जी मीडिया रिपोर्टर राजू राज के साथ बातचीत में महेंद्र सिंह टिकैत के समय भारतीय किसान यूनियन के सलाहकार रहे वीरेंद्र सिंह ने राकेश टिकैत के सुपुत्र से जुड़े कई अहम राज बताए। भाई शोर है, शोर यह है कि जहां भी नेशनल हाईवे में काम चल रहा है नॉर्दर्न इंडिया में, नॉट ओनली इन वेस्टर्न यूपी बट इन मध्य प्रदेश इन अदर स्टेट्स ऑल्सो, जहां भी काम चल रहा है वहां इनका कुछ ना कुछ शेयर है, इनका मामला है। एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, राकेश जी ऑन ऑथ कह दें कि मैं गलत कह रहा हूं, इस आंदोलन के दौरान राकेश जी रात को 10 बजे डीएम के यहां आए, गाजीपुर से भागे हुए डीएम मुजफ्फरनगर के यहां, सेल्वा कुमारी के यहां हाजिर हुए रात को 10 बजे और कांप रहे थे और 1 घंटा डीएम के साथ बैठे, फिर वापस गाजीपुर गए। क्या इमरजेंसी थी राकेश जी बता दें इस बात को कि डीएम से मुजफ्फरनगर से मिलने गाजीपुर बॉर्डर से यहां क्यों भागे आए। उस रात में एक पोर्कलीन मशीन, कुछ डंपर और किसी का कोई लड़का थाने में था। सूत्रों के मुताबिक राकेश टिकैत के बेटे की हिस्सेदारी माटियान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में भी है। इस कंपनी के मालिक राजस्थान के सुभाष माटियान हैं। इसके अलावा अल्पाइन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में भी इनके बेनामी शेयर हैं। जी मीडिया रिपोर्टर राजू राज ने मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के पेट्रोल पंप पर जाकर भी पड़ताल की। जानकारी के मुताबिक किसान नेता राकेश टिकैत की मुजफ्फरनगर जिले में 4 से 5 पेट्रोल पंप हैं जिनमें राकेश टिकैत की भागीदारी है, पार्टनरशिप है। इस वक्त मैं हूं मंसूरपुर में नेशनल हाईवे नंबर 58 पे, जहां पर आप इंडियन ऑयल का ये जो पेट्रोल पंप देख रहे हैं, इस पेट्रोल पंप में भी राकेश टिकैत की भागीदारी की बात सामने आई है। मुजफ्फरनगर शहर में चांदवीर सिंह के 2 पेट्रोल पंप हैं और मंसूरपुर में 1 पेट्रोल पंप है। सूत्रों के मुताबिक इन 3 पेट्रोल पंप में राकेश टिकैत की भी हिस्सेदारी है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में ही अशोक बालियान के पेट्रोल पंप में भी राकेश टिकैत का पैसा लगा है। हालांकि इस पेट्रोल पंप पर काम करने वाले स्टाफ ने किसान नेता राकेश टिकैत के हिस्सेदारी होने से इनकार कर दिया। अब सवाल यह है कि एक किसान नेता के रूप में राकेश टिकैत इतने अमीर कैसे हो गए। देखिए पैसा ऐसी चीज है कि मुर्गा बोलना बंद कर सकता है, लेकिन पैसा जिस घर में आता है उस घर के ऊपर की मंजिल पे जाके और वो आवाज देता मैं यहाँ हूँ। महसूस हो रहा है, देखो मेरे पास तो लिस्ट नहीं है कहाँ प्रॉपर्टी कैसे, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि हाँ धंधा बहुत बड़ा है, ऐसा लग रहा है धंधा बहुत बड़ा, जो लिविंग स्टैंडर्ड और जो और चीज़ें हो रही हैं उनसे महसूस होता है कि कुछ ना कुछ भाई कहीं से टोटी का पानी नहीं आ रहा, बड़े वाला सबमर्सिबल चल रहा है जिससे काम चल रहा है। बताया जाता है कि रुड़की में 1 पेट्रोल पंप, मारुति शोरूम और 1 होटल में राकेश टिकैत की बेनामी हिस्सेदारी है। इसके अलावा उनके कई ईंट भट्टे भी चलते हैं। सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद में उनका बहुत बड़ा वाटर प्यूरिफाइंग प्लांट है और दिल्ली, नोएडा और मुंबई में राकेश टिकैत ने संदीप शर्मा नाम के शख्स के जरिए करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी है। जैसा कुछ धनवान लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो इनके पैसे से पेट्रोल पंप, राजनीतिक हस्तक्षेप इनका, पेट्रोल पंप उनका, तो उसमें इनकी हिस्सेदारी तय हो जाए, ये तो एक बहुत व्यावसायिक मामला। ऐसे ही ठेकेदारी में पैसा उनका, नाम इनका, काम किसी, मतलब काम करेगा कोई और, नाम किसी का होगा, पैसा किसी का होगा, ये तो एक ठेकेदारी की पूरी एक क्लासिफाइड व्यवस्था। हम ये नहीं कहते कि राकेश टिकैत की ये संपत्ति गैर कानूनी है, ये संपत्ति उनकी मेहनत की कमाई भी हो सकती है। इस रिपोर्ट के जरिए हमारी कोशिश ये दिखाने की है कि इस देश में एक किसान ऐसा है जिसका करोड़ों का कारोबार है और दूसरे वो किसान हैं जो कर्ज में जीते हैं और कर्ज के बोझ तले ही मर जाते हैं। राकेश टिकैत जैसे किसान आंदोलन के नाम पर महीनों तक बॉर्डर पर बैठे रह सकते हैं, लेकिन गरीब किसान तो खेतों में रहता आया है और खेतों में ही रहेगा। सिसौली गांव से शिवांक मिश्रा के साथ राजू राज, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर।